Hello, Vachu. I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today, we are going to start at chapter number one, Chemical Reaction and Equation. Let's start. What is chemical reaction? Chemical reaction is a process in which one or more substances form a new substance, right? मतलब केमिकल रिएक्शन क्या है अगर कोई एक या ज्यादा सब्सटेंस कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसे क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो भी वो क्या होगा केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में जो हम कुछ केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं वो कौन से कौन से है तो यू कैन सी दैट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड राइट right? तो वो क्या हो गया एक केमिकल रिएक्शन हो गया के जो हमारा दूध है मिल्क है उसमें से क्या फॉर्म होता है कट डाइजेशन ऑफ फूड राइट देर इज सो मेनी न्यूट्रिशन और उसका जो डाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है राइट एंड रेस्पिरेशन राइट यू स्टडी दैट बोथ डाइजेशन ऑफ

कि ये तो हमारे रूटीन लाइफ के कोई चेंज हो गए जिसे हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं हम उसे कैसे लिख सकते हैं उसके लिए हमें आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम इसके अलावा एक दूसरा केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 1.1 उसमें क्या करना है हमें एक मैग्नीशियम रिबन देना है और उसे पेपर से रब करना है उसे क्यों रब करना है साइंड पेपर से तो क्योंकि मैग्नीशियम रिबन पे मॉइस्चर हो सकता है डस्ट हो सकती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हो सकता है तो उसे बर्न करने से पहले हमें क्या करना है उसे रब करना है ताकि उसके ऊपर जो भी लेयर हो वो निकल जाए देन वी हैव टू बर्न दिस मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड कलेक्ट द एस अगर हम मैग्नेशियम रिबन को इस तरह से बर्न करेंगे ये हमारा क्या हो गया एक बर्नर हो गया और ये मैग्नेशियम रिबन हो गई अगर हम इसे बर्न करेंगे तो वो क्या होगा एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ क्या होगा बर्न होगा और वो एक व्हाइट पाउडर फॉर्म कर देगा आप यहाँ फिगर में देख सकते हो हम उसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी देखेंगे ये हमने क्या किया मैग्नेशियम रिबन ले लिया अब उसे हम बर्न हैं अगर आप बंद करोगे तो आप देख सकते हो कि क्या होगा देखो ये एक ब्राइट फ्लेम डेस्लिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है राइट ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम है उसे हम डेस्लिंग फ्लेम भी कह सकते हैं। और ये बर्न होने पर यहाँ पे देखो व्हाइट कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अब हम और एक एक्टिविटी देखते हैं एक्टिविटी वन पॉइंट इन दिस एक्टिविटी वी हैव टू टेक लेड नाइट्रेट solution which इज transparent solution लाइक like water तो so हमें क्या करना है लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और फिर उसमें हमें क्या करना है तो पोटेशियम आयोडाइड वो भी क्या है कल है मतलब ये दोनों सॉल्यूशन कैसे है कलर लेसे तो लेट नाइट्रेट लेके हमें उसमें पोटेशियम आयोडाइट ड्रॉप बाय ड्रॉप एड करना है और क्या ऑब्जर्वेशन होता है तो हम देख सकते हैं कि अगर जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो उसमें हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे हम उसे वीडियो में देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन ले लिया है लेड नाइट्रेट का टेस्ट ट्यूब में उसमें हम पोटेशियम आयोडाइट एड करे जो वो भी क्या है ट्रांसपेरेंट है जैसे ही हमने उसे ऐड किया तो हमने हमें क्या दिखाई देता है उसमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट येलो कलर का सब्सटेंस कोई फॉर्म हो रहा है मतलब कि जैसे हम पोटेशियम आयोडाइड के ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाएंगे तो हमें लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे सही है एक और एक्टिविटी हम देखेंगे एक्टिविटी 1.3. पॉइंट थ्री टेक अ फ्यू सिंक ग्रेन्यूल्स इन अकोनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस राइट ये हमने क्या कर लिया तो एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया उसके अंदर ये जिंक क्रेन्यूल्स है जिंक के पार्टिकल्स है राइट सॉलिड जिंक लिया है उसके अंदर हम क्या करेंगे डाइल्यूट एच और एच हम एड करते हैं जब हम जिंक के अंदर ये एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा हमें वहां पे जिंक ग्रेन्यूल के सराउंड में बबल्स दिखाई देंगे वो बबल्स क्या है और कुछ नहीं है हाइड्रोजन गैस है बबल्स फॉर्म हो रहे हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कोई गैस क्या हो रहा है इवोल्व हो रहा है सही है अब उस वो कौन सा गैस है उसके लिए हम क्या करेंगे तो ये गैस यहाँ से बाहर निकल रहा है उसके पास हम क्या करेंगे मैस्टिक को ले जाएंगे तो हमें क्या पॉप अप साउंड सुनाई देगा उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो गैस कौन सा है हाइड्रोजन गैस है सही है ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया है और उसमें हमने क्या किया जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड कर दिया जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल हम ऐड करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे गैस बबल गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं सही है आप देख सकते हो यहाँ पे और अब हम देखेंगे कि वो जो गैस फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है तो उसके लिए हम यहाँ पे मैस्टिक लेके जाएंगे और आप सुन सकते हो यहाँ पे पॉप ऑफ का साउंड होता है सही तो हमने जो तीन एक्टिविटीज देखी उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टेट में चेंज आता है सही है या फिर कोई कलर में चेंज आता है या ड्यूरिंग रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या फिर कोई गैस इवॉल्व होता है सही है मतलब ऐसा कोई भी चेंज अगर हमें ड्यूरिंग रिएक्शन दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर हमें ऐसा लिखना हो कि मैग्नेशियम रिबन को बर्न करना है राइट और फिर ऐसा वाइट पाउडर फॉर्म होता है तो ये सब लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन को हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं बाय यूजिंग इट्स सिंबल और फॉर्मूला तो उसे क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं केमिकल इक्वेशन में क्या होता है तो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंस है हमारे उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट्स है उसे कहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा जाता है और बीच में क्या करते हैं हम एक एरो फॉर्म कर देते हैं सही है और एरो का पॉइंट कहाँ होता है तो एरो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड होता है यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेफ्ट ये एरो हो गया बीच में उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रिएक्टेंट होता है और उसके राइट हैंड साइड में क्या है प्रोडक्ट और ये एरो का जो हेड है वो कहाँ होता है प्रोडक्ट के साइड का होता है एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते सही है वेन वी बर्न अ कार्बन विथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इट फॉर्म्स द कार्बन डाइऑक्साइड तो ये सेंटेंस लिखने की वजह हम ऐसा भी लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड सही है अगर रिएक्टेंट्स मोर देन वन है तो हम उसमें क्या बीच में प्लस एड कर सकते हैं प्लस साइन लिख सकते हैं. वैसे ही अगर प्रोडक्ट्स भी मोर देन वन है तो हम उसके बीच में भी प्लस एड कर सकते है सही है ये हमारा जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड इक्वेशन हो जाएगा उसे हम ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड सही है यहां पे मैंने नीचे लिखा है स्मॉल एस स्मॉल जी एंड स्मॉल जी वो क्या है वो हम देखते हैं उससे पहले देख लेते हैं रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है रिएक्टेंट्स द सब्सटेंस दैट अंडर को केमिकल चेंज इन द रिएक्शन जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो सब्सटेंस में चेंज दिखाई देगा उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट्स बोलते हैं प्रोडक्ट क्या है द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट सही है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है नया तो उसे क्या बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे अब ये प्रोडक्ट में मैंने बोला था कि हम सफिक्स में क्या लिखते हैं स्मॉल एस और जी लिखा था वो क्या है तो एस का मीनिंग होता है कि वो जो सब्सटेंस है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है अगर वहां पे एल लिखा हुआ है मतलब वो जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड जो है वो हमारा किस में है लिक्विड स्टेट में है अगर वहां पे जी लिखा हुआ है उसका मतलब वो गैसे स्टेज में है सही है और वहां पे अगर एक्वियस लिखा गया है तो उसका मतलब ये होगा कि वो जो है एक क्यू लिखा होगा उसका मतलब है वो हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है और एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है तो एक्वियस सॉल्यूशन कुछ नहीं है अगर हम वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं और वो अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं, सही है अब जो हमारा इक्वेशन था केमिकल इक्वेशन वो दो टाइप के होते हैं एक तो स्केलेटन इक्वेशन और दूसरा है बैलेंस इक्वेशन तो हम देखते हैं स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है स्केलेटन इक्वेशन कुछ नहीं है वो सिर्फ हमें क्या देता है तो रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन देता है मतलब कि स्केलेटन इक्वेशन में हमें सिर्फ केमिकल्स के फॉर्मूला लिखने हैं जो हमारे रिएक्टन और प्रोडक्ट है उसके क्या लिखने हैं सिर्फ फार्मूला लिखने हैं पर हमें उस एलिमेंट्स को नहीं बैलेंस करना है न ही उसका स्टेट मेंशन करना है अगर हम है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर क्या फॉर्म करता है वाटर फॉर्म करता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है दो है तो राइट हैंड साइड में भी दो है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में दो ऑक्सीजन है मगर जो हमारा राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट है उसमें क्या है सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस इक्वेशन में क्या है बैलेंस नहीं है हर हम हमने जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर है वो किस स्टेट में है वो भी मेंशन नहीं किया है सही है तो जब हम कुछ भी मेंशन नहीं करते है सिर्फ यही दिखाते हैं कि हमारी रिएक्शन किसके बीच में हो रही है और क्या फॉर्म हो रहा है सही है तो वो सिंपल टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन दूसरा होता है हमारा बैलेंस इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन में क्या करते हैं तो हम दोनों साइड के एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे बैलेंस करते हैं। हमने आगे देखा स्केलेटन में H2 टू प्लस ओ को इट गिव्स एच लेकिन वहां पे क्या था नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थे यहां पे आप देख सकते हो अगर मैं लिख दो टू एच टू प्लस ओ टू इट गिवस टू एच टू ओ सही है तो अब देखो यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं चार और प्रोडक्ट साइड में कि भी कितने हैं चार जो हमारा रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीजन हो वो कितना है दो और यहाँ प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीजन है वो भी कितना है दो मतलब सारे एलिमेंट्स उसमें क्या है बैलेंस है विद हमने उसके स्टेट भी मेंशन किया हुआ तो ये क्या हो गया हमारा एक बैलेंस कंप्लीट रिएक्शन हो गया इक्वेशन हो गया सही है फिर से हम आ गए एक्टिविटी ओवन पे वहां पे हमने क्या किया था तो मैग्नेशियम रिबन लेके हमने उसे बर्न किया था और एक व्हाइट पाउडर मिल रहा था तो उसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं तो मैग्नेशियम रिबन मतलब हमारा हो गया मैग्नेशियम प्लस उसे बर्न कर रहे हैं और हमें पता है कोई भी सब्सटेंस है तो वो वो बर्न किसके प्रेजेंस में होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हम लिख सकते हैं मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन और जो पाउडर मिल रहा था वो क्या था हमारा मैग्नेशियम ऑक्साइड सही है तो हम लिख सकते हैं मैग्नेशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नेशियम ऑक्साइड उसका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं जैसे कि मैग्नेशियम का सिंबल हो गया Mg सही है वो क्या था हमारे रिबन मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नेशियम सॉलिड सही है जो एयर थी मतलब वो गैस है ऑक्सीजन हमारा गैस स्टेट में है तो हम लिख सकते हैं ओर टू गैस यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो हमें पता है वो कौन सा है डाय एटोमिक मोलिकूल है तो हम उसे कभी भी औ, 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 सिर्फ ओ से नहीं लिख सकते हैं। हमें हर वक्त तो उसे ओ टू के फॉर्म में ही रखना पड़ेगा और जो वो फॉर्म करता है वो क्या है मैग्नेशियम डाइऑक्साइड तो हमें जो पता है कि मैग्नेशियम क्या होता है एम जी प्लस टू और ऑक्साइड माने की माइनस ओ माइनस टू अगर हम उसका फार्मूला फॉर्म form करेंगे तो हमें पता है इसके चार्ज को हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा एम जी टू ओ टू यहां पे दोनों में दो है तो हम उसे कॉमन कर लेंगे और हमें फॉर्मूला मिल जाएगी एम जी ओ सही है यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन दो है तो हम यहाँ पे भी हमने दो लिख दिया ताकि वो क्या हो गया एक बैलेंस इक्वेशन हो गया तो ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन मिल गया हमारी फर्स्ट एक्टिविटी के लिए कि जब हम मैग्नेशियम रिबन का बर्न कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा टू Mg सॉलिड प्लस ओ टू गैस इट गिव्स टू एम जी सॉलिड सही है वैसे ही है हम बात करें एक्टिविटी टू की तो उसमें क्या किया था हमने जो हमारा लेट नाइट्रेट था उसके अंदर हमने क्या किया, किया पोटेशियम आयोडाइट ऐड किया और जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे थे हमारा क्या हो रहा था येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था तो उसे हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो क्या लेड नाइट्रेट लेड नाइट्रेट क्या हो गया हमारा PbNO3 ट्वाइस और उसका सॉल्यूशन लिया था तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेड नाइट्रेट एक्यू एक्वियस सही पोटेशियम आयोडाइड उसमें ऐड कर रहे थे वो भी कौन से फॉर्म में था एक्वियस फॉर्म में था क्योंकि हमने उसका सॉल्यूशन एड किया था जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो रहा था येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे थे सही है येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे तो वो किसके थे तो लेड आयोडाइड के तो वो प्रेसिपिटेट थे इन थे सोल्यूशन में तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोलिड और प्रेसिपिटेट को हम हर वक्त डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि वहां पे कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होगा वो क्या हो रहेगा सोल्यूशन स्टेट में ही रहेगा तो हम दूसरे एक्टिविटी के इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पीबीएनओ थ्री एक्वियस प्लस टू के आई इट गिव्स पीबीआई टू प्लस टू के एन ओ थ्री एफ एस सही है सही है हम बात करें थर्ड एक्टिविटी की तो क्या देख सकते हैं हम थर्ड एक्टिविटी में कि यहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया था और जैसे ही ऐसा किया तो वहाँ पे एक गैस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था तो हमें पता है कि हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए थे मतलब हम लिख सकते है जेड एन सोलिड राइट right? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोलूशन था तो वो हो गया एच सी एल ए क्यू तो क्या होता है उसमें जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है जेड एंड टू एक्वियस क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है लिक्विड फॉर्म में ही है तो हम उसका एक्वियस लिख सकते हैं लिक्विड नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें वाटर भी साथ में प्रेजेंट है सही है लिक्विड हम एल तभी यूज कर सकते हैं जब सिर्फ वही एक लिक्विड हो उसके साथ कुछ और ना हो और यहाँ पे साथ में एक गैस भी इवॉल्व हो रहा था जो हमारा हाइड्रोजन गैस है तो वो हो जाएगा एच टू और यहाँ पे हो गया जी क्योंकि वो गैस था और गैस ऑलवेज क्या हो जाता है अपसाइड जाता है इसलिए हम उसे अप एरो करेंगे प्रेसिपिटेट ऑलवेज क्या होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो उसे डाउन एरो से हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट और जो भी गैस होगा वो इवॉल्व होके ऊपर की साइड जाएगा तो हम उसे अप एरो से रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी जेड सॉलिड प्लस एच सी एल इट गिवस जेड एन सी एल टू एक्वियस प्लस एच टू गैस तो ये हो गए हमारे बैलेंस इक्वेशन तो ये अब ये बात आती है कि अगर कोई इक्वेशन है उसे बैलेंस कैसे किया जाता है सही है तो उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें हम नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे कि, कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स इफ देर इज एन इक्वायरी देन कॉमेंट राइट